और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यूपी में प्रचार किया। इस दौरान सीएम ने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित किया। सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मनमोहन सरकार में कांग्रेस अपने निर्णय दूसरों पर थोपा करती थी। आप बता, कोई भी कांग्रेस का नेता है, किसी पार्टी का नेता है, कोई इस बात के लिए नहीं कहेगा कि इस देश में सरकार बनाएंगे तो हमारे द्वारा अतीत की इस बात की माफी मांगी जाएगी कि नेपाल से हमारे संबंध खराब क्यों थे। नेपाल को लेकर के भारत के संबंध हजारों साल से बहुत अच्छे थे और अकेले नेपाल नहीं, सारी बॉर्डर चारों तरफ की, हमारे देश की चारों तरफ की सीमाएं अगर असुरक्षित थी तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कांग्रेस तो मुंह उठा करके बात करने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जो गलती की अतीत में, अभी कांग्रेस के जो साहिबजादे हैं उनकी पांचवी पीढ़ी के पहले परनाना नेहरू जी ने गलती की, इस देश के अंदर 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा जमीन आज भी चाइना के पास है। ये पाप अगर किसी के माथे है तो ये कांग्रेस के सिर पे लगा हुआ पाप है, जिसके कारण से लंबे समय तक ये कलंक हमारे माथे पे रहा। और हम तुलना करें यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की, अरे हमारे देश की तो छोड़ो, हमारे देश की तो कोई 1 इंच जमीन क्या लेगा। हमने तो अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए, हमारे से मित्रता का संबंध है भूटान का, जैसे नेपाल का है। नेपाल की जमीन डोकलाम नामक स्थान पर चाइना अतिक्रमण करने आया और दुनिया ने तमाशा देखा। इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पड़ोसी धर्म का भी निर्वहन करते हुए डोकलाम में भी झंडा गाड़ा, भारत माता की जय जयकार करते हुए। नेतृत्व हो तो कैसा होना चाहिए, यह एहसास कराने का एहसास कराया कि सरकार में बैठना और सरकार को बैठ के सरकार की तरह चलाना और यह सरकार के चलाने में भी इस देश का गौरवशाली अतीत है। दुनिया की कई संतने आई चली गई, लेकिन भारत अपनी जगह पर अडिग, जिसको कहा इकबाल ने कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात नहीं है, ये कांग्रेस वालों ने लगातार लज्जित करने का प्रयास किया था। और यही कारण है सीमाओं की सुरक्षा से लगा करके, अरे अंदाज लगाओ, आपने एक वोट दिया था 2014 में, जब याद करो यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपना सुप्रसिद्ध घोष वाक्य बोला था, उन्होंने कहा आपने 60 साल कांग्रेस को दिए, 60 साल, मुझे केवल 60 महीने दीजिए, याद करो उस समय का भाषण उनका, और 12 5 60 5 साल के लिए, अर्थात 60 महीने के लिए, और 60 महीने के अंदर जो सरकार चला के दिखाई, जनता ने भी भरोसा किया, क्योंकि कांग्रेस के शासन काल में एक के बाद एक घोटाला लगातार घोटाले पे घोटाले होते गए।